नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल्स वी एस एजुकेशन हब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स करंट अफेयर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज एंड उन न्यूज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। टॉप लेवल के एमसीक्यूज है, एग्जाम्स में आने लाइक एमसीक्यूज हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज आपका 17th of अगस्त, आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ अगर आप कोई सेशन को स्टार्ट करेंगे अपन, ओके, आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक दैट आपके बैंकिंग हो गया, चाहे वह IBPS हो, चाहे SBI हो, SSC के एग्जाम्स हो गए, CGL, CHSL, रेलवे के एग्जाम्स हो गए, किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बहुत बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इफ यू आर न्यू स्टूडेंट इन माई चैनल, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें चैनल्स को, देन वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, तो लाइक बटन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स दे देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। पार्ट फर्स्ट अगस्त माह, राइट, दैट इट मीन्स आपको मालूम है दैट इज द 1 अगस्त से 15th of अगस्त तक एक मैंने वीडियो अपलोड किया था। लगभग 90 क्वेश्चन उसमें GK के क्वेश्चन हैं, टॉप लेवल के MCQs क्वेश्चन हैं, आंसर्स भी आपको मिलेंगे, अपडेट्स भी आपको मिलेगी। कल से यह मैंने वीडियो अपलोड किया था, राइट, तो प्लीज़ इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हैं। ओके, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RRB के एग्ज़ाम्स की, तो यह सेशन बहुत आपके काम आएगा, प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा। ओके, और जुलाई मंथ कवर करना चाहते हैं, जो जुलाई मंथ के भी मैंने कवर कर चुका हूँ, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। PDF चाहिए सर, हमको PDF दे दीजिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, कोई चार्जेबल्स नहीं है, और ओनली फॉर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सर कि हमको PDF चाहिए। ओके, अब चलते हैं आज के सेशंस में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। जितना आप स्किप करोगे GK के क्वेश्चंस, उतना ही माइंड से आपकी उतरता जाएगा। 100% जो चीज़ आपको पढ़नी है, जो चीज़ पढ़ते रहते हैं, जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, राइट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कशंस करते हैं इम्पॉर्टेंट। अगर आपका कोई बुक्स होती है, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट आपका कोई डेज होता है, राइट, वह डिस्कशंस होता है। सेकंड पे डिस्कशंस होती है आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज, राइट, इम्पॉर्टेंट न्यूज जो टॉप लेवल की है। आप खुद देखिएगा, खुद को एहसास होगा कि हाँ, इस लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं। थर्ड पे आपके पूछा जाएगा, अपन डिस्कशंस करेंगे टॉप लेवल के MCQs, राइट, टॉप लेवल के MCQs अच्छे लेवल पे, और 100% आपको इतना बेनिफिट्स मिलेगा, आपको खुद को लगेगा, राइट। एंड फोर्थ नंबर पे अपन पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द ए क्वेश्चंस आपके लिए, होमवर्क क्वेश्चंस, राइट। होमवर्क क्वेश्चंस हैं, यह आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, राइट। ये फोर्थ पार्ट में आपका सेशंस रहेगा, ध्यान से देखिएगा पर्टिकुलर सेशंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल्स एक बुक रिलीज की गई है दलाई लामा, उन्होंने पुस्तक लिखी है आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, राइट। एक पुस्तक लिखी गई है दलाई लामा जी, राइट, आपको मालूम होगा, राइट, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी है आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील्स टू द वर्ल्ड। याद रखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एग्जाम्स में ओनली फॉर राइटर कौन है और पुस्तक का नेम, ये दो चीज़ें आपको एग्जामिनर पूछता है, बार बार पूछता है, राइट। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर बुक के बारे में याद रखिएगा, नेम्स और बुक किसने लिखी है। ओके, सेकंड चलते हैं अपन आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पे देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द RBI अप्रूव्ड डिविडेंड ऑफ 57,128 करोड़ रुपीज टू गवर्नमेंट। यानी कि RBI है, उसने डिविडेंड यानी कि लाभांश के रूप में गवर्नमेंट को 57,128 करोड़ रुपीज
अमाउंट याद रखिएगा जो बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं राइट, इनके लिए यह न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक एग्जाम्स की, चाहे वह IBPS RRB हो चाहे IBPS PO हो राइट, उनके लिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। डिविडेंड सबको मालूम है क्या होता है, एक तरह से लाभांश होता है RBI ने गवर्नमेंट के द्वारा, बट फिगर के बेसिस पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है ओके। तो 57,128 करोड़ रुपीज RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है, याद रखिएगा ओके। RBI आपको मालूम होना चाहिए दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे महाराष्ट्र में, शक्तिकांत दास राइट, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं शक्तिकांत दास राइट, ये गवर्नर हैं RBI के, 25वें गवर्नर इनको बना रखा है अभी RBI ने राइट। पूछे कभी कभार एग्जाम्स में तो याद रखिएगा 25वां गवर्नर है RBI के शक्तिकांत दास, बॉम्बे महाराष्ट्र यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है ओके, याद रखिएगा। और RBI ने अभी माय डियर फ्रेंड्स अभी चीज इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, एक थर्ड बायो मंथली राइट, आपको मालूम होगा थर्ड बायो मंथली हर 2 मंथ के बाद एक पॉलिसी जारी की जाती है राइट। तो तीसरी बायो मंथली यानी कि अप्रैल में जारी की गई थी, देन मई एंड जून में जारी की थी, देन एंड देन आपकी अगस्त में जारी की गई है राइट। उसमें रिवर्स रेपो रेट जो चीज इम्पोर्टेंट है, पहली होती है आपके रेपो रेट एंड दूसरी होती है रिवर्स रेपो रेट राइट राइट। यह है आपकी रिवर्स रेपो रेट दैट इज द 3.35% राइट। यह मैंने कल के वीडियो में डिस्कशंस किया था और मैंने फ्राइडे के वीडियो में भी डिस्कशंस किया है राइट। उस पर्टिकुलर वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड रिवर्स रेपो रेट आपकी है 3.35% एंड रेपो रेट ओनली फॉर, आपको मालूम होगा रेपो रेट जिसमें जो बैंक से इंडिया के वह RBI से लोन लेते हैं रेपो रेट पे, एंड रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है। अगर किसी बैंक के पास पैसा बच जाता है, कैश बच जाता है, तो वह RBI में अपना पैसा रख सकता है, तो RBI उसके बदले उनको 3.35% के बेसिस पे ब्याज देती है राइट। याद रखिएगा दोनों चीज़ कॉमन है, दोनों चीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, कभी भी आपको पूछे तो याद रखिएगा। एंड आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, अभी रेपो रेट करंट रेपो रेट क्या चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा ओके। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटी सी न्यूज थी न्यूज पेपर्स में, वहां से मैंने कटिंग्स निकाली है, आप देख सकते हैं। मिलांज पर लाइफ स्टाइल ऑफ एन एक्टर दीपिका पादुकोण एज ब्रांड एम्बेसडर्स। मिलांज आपको मालूम है दैट इज द एक तरह से जिसको बोलते हैं मिक्सर्स राइट, मिश्रण जिसको कहते हैं राइट। तो यह एक कंपनी है राइट जो कलेक्शंस फैशन डिजाइनर कलेक्शंस करती है राइट, फैशंस का उनकी ब्रांड एम्बेसडर्स बनी है दीपिका पादुकोण। यह इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है बट दिस इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ई बाइक को कैट्स क्रिकेटर हरभजन सिंह से उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त हुए हैं हरभजन सिंह, ई बाइक को याद रखिएगा ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में 100% ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल से मिलांस की ब्रांड एम्बेसडर्स बनी है आपकी दीपिका पादुकोण, सेकंड है ई बाइक को राइट जिसके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं हरभजन सिंह जो कि एक भारतीय गेंदबाज रह चुके हैं, स्पिनर हैं राइट, और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वह IPL खेलते हैं ओके। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स दैट इज द गोल्ड इम्पोर्ट डिप, 81% डिप किया है गोल्ड ने अभी तक आयात के बेसिस पे राइट। अप्रैल जुलाई टू 2.47 डॉलर बिलियन राइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गोल्ड यानी कि सोने के जो आभूषण है सोना है उसको इम्पोर्ट करने में इंडिया को 81% के डिप यानी कि गोता खाना पड़ा है राइट। आपको मालूम है COVID-19 के सिचुएशंस को देखते हुए सोने की कीमत में बहुत बड़ी उछाल आई थी, तो नाउ अब उसकी कीमत में थोड़ा सा ठहरा क्योंकि आपको मालूम है कोरोना के वैक्सीन लॉन्च होते ही रूस में, उसके बाद जो मार्केट है मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है वह बहुत डाउन हुआ था गोल्ड और सिल्वर में राइट। अभी आपको मालूम है बहुत रेंज हाई हो गई थी गोल्ड की राइट,
बहुत ऊपर चला गया था, देन नाउ आपकी वैक्सीन्स का निर्धारण होते ही तुरंत वापस डाउन हो गया था, राइट। तो सिचुएशंस को देखते हुए वहां पर ही ये गोता खाया है 81% का गोल्ड ने इंपोर्ट में। ओके, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ऑब्विशरी, यह है चेतन चौहान, राइट। आप देख सकते हैं यह आपकी चेतन चौहान है, काफी दिनों से इनकी तबीयत खराब चल रही थी, यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर्स रह चुके हैं और इनकी कोरोना वायरस से इनका भी निधन हो गया है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिकेटर आपको पूछे ने तो याद रखिएगा चेतन चौहान, सेकंड पूछे कहाँ के मिनिस्टर्स थे तो यूपी गवर्नमेंट में यह मंत्री का प्रभाव देख रहे थे, राइट, याद रखिएगा, क्लियर हुआ। एंड यूपी के दो मिनिस्टर्स कोविड-19 से मर चुके हैं, आपको मालूम होगा कमला अपन ने पढ़ा था राइट कुछ दिनों पहले, राइट, वह भी यूपी की मिनिस्टर थी और उनका भी निधन एक तरह से कह सकते हैं कोविड-19 से ही हुआ था। ओके, क्लियर हुआ। तो ये तो थी आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज, आई होप सो गाइस क्लियर हो पाया होगा, नहीं हुआ है तो तुरंत टाइप किया है, हुआ है तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना है आप सभी। ओके, अब चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने, दैट इज द हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टील्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील जिसको कहते हैं, बाय द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, PESB, राइट, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB द्वारा स्टील्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑप्शंस के साथ अपन खेलेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ बहुत ही अच्छी चीज है, राइट, ऑप्शंस भी मैंने जानबूझ कर ये डाले हैं कि तो एक तरह से कह सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन रूप के किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है, दैट इज द शोमा मॉडल, राइट, शोमा मॉडल्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके याद रखिएगा। एंड रोशनी नाडर, आपने सुना होगा नाम, यह IT जो HCL कंपनी है उसकी CEO बने हैं, राइट, पहले थे शिव नाडर, इनको अब उनको इस्तीफा देने के बाद अपनी रोशनी नाडर, राइट, रोशनी नाडर को HCL की चीफ अभी नियुक्त किया गया है, राइट। यह 54वां स्थान फोर्ब्स की सबसे पावरफुल वुमेन में 54वां स्थान आपकी रोशनी नाडर का था, कि सबसे शक्तिशाली, राइट, विनी महाजन, आई होप आपने नाम सुना होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं, एवरी डे देखते हैं तो 100% ये ऑप्शंस आपके लिए बिल्कुल हलवा है, राइट, विनी महाजन आपकी पंजाब, राइट, पंजाब की चीफ सेक्रेटरी बनी है, पहली महिला है, राइट, पंजाब की चीफ सेक्रेटरी बनी है आपकी पहली महिला है विनी महाजन, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीवा गांगुली, यह नॉर्थ ईस्ट की सचिव बने हैं, राइट, चीफ सेक्रेटरी बनी है नॉर्थ ईस्ट की, याद रखिएगा रीवा गांगुली। तो बी ऑप्शन सोमा मंडल है जो कि स्टील्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगली अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है। एंड कुछ अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड एक मैंने वीडियो अपलोड किया था जून और जुलाई के, वहां से आप कवर कर सकते हैं, जो बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही रामबाण एक तरह से कह सकते हैं वह है, प्लीज इस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। ओके, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका लिंक है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप भी कर सकते हैं, सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, हम पीडीएफ पढ़ेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आंसर दीजिए, तब तक पानी पी लेता हूँ। देखिए क्या कहता है क्वेश्चंस, द मोयरा बनानाच, राइट, मोयरा बनानाच, हरमल छेली एंड खजे, एंड खजे ऑफ विच स्टेट हैज गॉट GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक टैग दिया गया है, मोयरा बनानाच को, केला को, हरमल छेली, राइट, एंड खजे को, राइट, तो वह कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको यह एक GI टैग प्रदान किया गया है, तो वह स्टेट है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द गोवा, राइट, गोवा है जिसको आपके मोयरा कहले, हरमन चिली, हरमल चिली, राइट,
और खाजे राइट, उनको जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशंस प्रदान किया गया था राइट। प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, पणजी यहाँ की कैपिटल से, सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर है। ओके नेक्स्ट आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान्ड टू लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स राइट। किस राज्य सरकार ने देश का पहला इलेक्ट्रिकल्स वाहन पार्क शुरू करने की योजना बनाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्लाइड्स का। ओके तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क की शुरू करने की योजना बनाई है। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके YS जो था, स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर सस्टेनेबल सस्टेनेबल लाइवलीहुड लाइवलीहुड फॉर वुमेन्स। YSR चेहूता योजना किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी राइट। तो वह शुरू की गई है YSR, आपको मालूम है दैट इज द जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से, उनके द्वारा यह योजना शुभारंभ किया गया था। इसके माध्यम से जो आपके स्थिर जो परिवार है, आजीविका चलाते हैं वुमेन्स है, महिला है, उनको सहायता प्रदान की जाएगी राइट। क्लियर होगा तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से जगन मोहन रेड्डी राइट, एंड विश्वभूषण हरिचंद्र यहाँ के गवर्नर हैं। एंड नाडू नेडू प्रोग्राम राइट, आपने नाम सुना होगा नाडू नेडू प्रोग्राम, सी आपका आंध्र प्रदेश का ही है। निगाह नामक ऐप आंध्र प्रदेश का ही है। निगाह नाडू 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 नेडू प्रोग्राम्स निगाह, और जो इम्पोर्टेंट है एक चीज और कि आए तो भरोसा राय तो भरोसा है, जो कि स्कीम से वह भी आपकी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की है। पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन भारत का वह आपके आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अपने अभी पढ़ा था हु हैज ऑथर द बुक टाइटल्स आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। वह पुस्तक लिखी है माय डियर स्पिनर्स दैट इज द वेंकैया नायडू राइट, सॉरी आपकी दलाई लामा ने, जो अपन अभी पढ़ के आए हैं राइट, दलाई लामा। ओके एंड ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस देखिए, वेंकैया नायडू इन्होंने कनेक्टिंग्स, इतने जो ऑफिस के 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने कनेक्टिंग्स राइट कनेक्टिंग, जो मैंने कल आपके साथ डिस्कशंस की थी उस बुक को ये उन्होंने रिलीज किया है। प्लीज पूरा नाम जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा राइट। और इसको लॉन्च किया था आपके राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर ने। नीना राय माय डियर फ्रेंड्स, नीना राय ने अद्भुत अयोध्या यानी कि अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है पार्ट फर्स्ट, अभी तक याद रखिएगा। कल्याण कुमार थे नेताजी राइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नामक पुस्तक कल्याण कुमार थी, इसका लॉन्च किया था वेंकैया नायडू ने, याद रखिएगा। ओके दलाई लामा आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी प्लान्स टू सेट अप रोबोटिक लैब एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर 5G रिसर्च राइट। 5G अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान कौन सी ऐसी IIT है राइट, संस्थान में रोबोटिक लैब स्थापित करने की योजना बना रही है? तो वह है नैनतन सबके नोकिया राइट। नोकिया है जिन्होंने 5G अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान में रोबोटिक लैब स्थापित करने की योजना बनाई। नेक्स्ट आपके सामने स्मार्ट कनेक्ट स्कीम यानी कि स्मार्ट कनेक्ट स्कीम की वजह से किस भारतीय राज्य सरकार की है? तो वह है आपके पंजाब की राइट। पंजाब गवर्नमेंट ने स्मार्ट कनेक्ट स्कीम्स के नामक एक लॉन्च किया है राइट, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपकी अमरिंदर सिंह से, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका, इंडिया अनाउंस्ड 500 मिलियंस पैकेज टू फंड अ प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री। इंडिया है जो भारत के किस देश पड़ोसी देश में एक परियोजना के लिए $500 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है, तो वह घोषणा की है दैट इज द मालदीव, राइट। सी ऑप्शन आपका सही होगा, राइट। मालदीव की कैपिटल शमाडी रेस्पेंस माले, राइट। एम रूफिया रूफिया, राइट। रुपया यहाँ पर करेंसी चलती है, इब्राहिम मोहम्मद शोले यहाँ पर करेंसी, अब की इब्राहिम मोहम्मद शोले यहाँ के प्रेसिडेंट है, याद रखिए। मालदीव इज द करेक्ट आंसर। गंगाधर महर, व्हिच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फाइनेंशियल बजट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गंगाधर मेहर, राइट। गंगाधर मेहर लिफ्ट कैनल सिस्टम, राइट। किसने मंजूरी दी है अपने गवर्नमेंट ने, तो वह है उड़ीसा की गवर्नमेंट है, ओके। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से नवीन पटनायक, और आपकी गवर्नर है माय डियर फ्रेंड्स दैट इज द गणेशी लाल, राइट। एंड चीफ मिनिस्टर आपके हो गए उड़ीसा के नवीन पटनायक, गणेशी लाल और भुवनेश्वर यहाँ पर कैपिटल चलती है, याद रखिएगा, ओके। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वह आयोजित हुए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वह आयोजित हुए थे आपकी उत्तर आपकी उड़ीसा की भुवनेश्वर में, राइट, याद रखिएगा, जिसमें पंजाब टॉप टेबल्स पे रहा था, पंजाब है जो टॉप टेली में रहा था, सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला पंजाब स्टेट रहा था, राइट, याद रखिएगा इस पर्टिकुलर चीज को भी। नेक्स्ट आपके सामने, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के लिए भारतीय अनुसंधान परिषद के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रमोद भाषण, रजत खतूरिया, राइट, हरदयाल प्रसाद, प्रदीप कुमार जोशी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो प्रमोद भाषण को आर्थिक संबंधों के लिए भारतीय अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस प्रमोद कुमार बेशिन, राइट, याद रखिएगा। हरदयाल प्रसाद माडियर प्रिंस पीएनबी हाउसिंग के एनबीएनसीओ बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में। प्रदीप कुमार जोशी, राइट, यह यूपीएससी के चेयरपर्सन बने, यूपीएससी के चेयरपर्सन बने हैं प्रदीप कुमार जोशी, याद रखिएगा। तो टेंथ का आंसर आपका होगा नरेंद्र, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ओके। तो ये आज का क्वेश्चन है, हु हैज बीन रोप्ड बाय द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गोज एज द इट्स प्राण मिनिस्टर्स इन अगस्त 2020। ई बाइक गोज जिसका प्राण मिनिस्टर्स नियुक्त किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ, राइट। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर टाइप कीजिएगा, इस तरह इसका आंसर ये होगा। अदरवाइज कोई आपको प्रॉब्लम्स हो, कोई चीज़ लगता है कि सर ये चीज़ ऐड करने से हमको बेनिफिट्स मिलता है, राइट, वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, मैं जरूर डिसाइड करूँगा कि इसके बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, जरूर टाइप कीजिएगा, ओके। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, कुछ भी चीज़ आप सीख पाएँ कि हाँ सर हम जो कुछ सीखे हैं हमको अच्छा भी लगा है, हमने दूसरों की हेल्प भी की है, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना, शेयर करना, और अगर चैनल्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कि हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट कोई भी अपडेट हो आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, राइट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स, ओके। तो एंड अप करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस, इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करिए, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नियरिस्ट है, राइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, एंड आप सभी का दिन
मंगल में हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।